ठाकुर के बिंदास बोल से मैं उमेश ठाकुर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको विनती करना चाहता हूं कि मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करिए, जो वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन आता है वो दबाइए, उसके बाद बेल आइकन आती है वो दबाइए, लाइक कीजिए और कमेंट करना न भूलिए। दोस्तों, आज मैं जिस फिल्म के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो फिल्म है पल पल दिल के पास। पल पल दिल के पास इस फिल्म में नई जोड़ी लॉन्च हुई है, करण देओल और सेहर बांबा। ये नई जोड़ी को लेकर ये फिल्म बनाई गई है, एक लव स्टोरी है और इस हफ्ते ये फिल्म रिलीज हुई है। धर्मेंद्र जी ने ये फिल्म प्रेजेंट की है और सन्नी देओल ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। दिल भी तेरा हम भी तेरे इस फिल्म से 1960 में धर्मेंद्र जी लॉन्च हुए थे, उनकी वो पहली फिल्म थी। उसके बाद धर्मेंद्र सुपरस्टार बने, बहुत सारे हिट पे हिट फिल्में उन्होंने दी और इससे बढ़कर एक फिल्मों के गाने भी उनके थे। इतने दिग्गज कलाकार के जो बेटे हैं सनी देओल, उनको लेकर जब उनको लॉन्च करने की बारी आई तो धर्मेंद्र जी ने बेटा फिल्म सनी देओल के लिए बनाई थी। सनी देओल उस फिल्म के बाद सुपरस्टार बने, एक ब्लॉकबस्टर एक्टर बने, बहुत ही बढ़िया उनका करियर रहा। उसके बाद अभी 2019 में सनी देओल के जो बेटे हैं उनको सनी देओल लॉन्च कर रहे हैं और उनका नाम है करण देओल। 1960 से लेकर 2019 तक ये तीन पीढ़ियां एक साथ काम कर रही है, यानी अब सनी देओल ने अपने बेटे को लॉन्च किया है पल पल दिल के पास इस फिल्म के द्वारा। देओल के बाद बरसात फिल्म में बॉबी देओल ने अपना फिल्मी करियर शुरू किया था, तो ये धर्मेंद्र जी, उनके दो बच्चे, अब उनका पोता, ये चार लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अभी तो करण देओल जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत इस फिल्म के द्वारा की है। पल पल दिल के पास जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। हमने देखा है कि आज तक जितने भी स्टार सन इंडस्ट्री के घराने के जो मेंबर्स होते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं, तो बहुत तगड़ी स्क्रिप्ट लेकर फिल्मों में अपना करियर बनाने आते हैं और ज्यादातर जो स्टार रहे हैं उनके बच्चे जो फिल्मों में आए वो लव स्टोरी को ले, सनी देओल, कुमार गौरव, बहुत सारे हैं। तो लव स्टोरी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर 10 साल पर कहानियां लेकर फिल्में बनती है। तो सनी देओल जी ने भी अपने बच्चे को जब लॉन्च करने की ठानी तो उन्होंने भी अपने बच्चे के लिए यानी करण देओल के लिए लव स्टोरी सेलेक्ट की। लव स्टोरी को लेकर फिल्म बनाना एक अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह की ये फिल्म है उसको देखकर तो हमें बहुत ही दुख हो रहा है कि सनी देओल जैसे एक अच्छे नायक ने अपने बेटे को लॉन्च की ये स्टोरी क्यों सेलेक्ट की। स्क्रीन पे डायलॉग के बारे में बोले तो स्टोरी ठीक ठाक है, लव स्टोरी है, लेकिन कुछ मजा नहीं स्टोरी में। स्क्रीन पे भी ठीक ठाक रहा है और डायलॉग्स तो क्या कहने डायलॉग्स के। खैर, लोकेशंस इसके बहुत प्यारे हैं, सनी देओल ने जो लोकेशंस इस्तेमाल किए हैं फिल्म में वो बहुत ही प्यारे हैं। सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, म्यूजिक भी ठीक ठाक है, अच्छा है म्यूजिक, लेकिन कुछ इतना इम्पैक्टफुल नहीं है। और इस फिल्म का डायरेक्शन अगर बोला जाए तो सनी देओल जैसे एक्टर ने खासकर ये डायरेक्शन करने की जो कहानी है वो उनका फैसला मेरे ख्याल से गलत लग रहा है। हालांकि उनको अपने बेटे को लॉन्च करते वक्त अगर कोई और डायरेक्टर की मदद लेते तो शायद ये फिल्म बहुत अच्छी हो जाती। इस फिल्म की जो स्टोरी है वो मनाली से शुरू होती है। मनाली में रहने वाला ये करण देओल वो एक पहाड़ चढ़ने वाला लड़का है, बहुत ही होशियार होता है, उसे वो एक्सपर्ट होता है पहाड़ चढ़ने में।
और वहाँ ये जो फिल्म की हीरोइन है करण देओल का रिव्यू लेने के लिए वो आती है, क्योंकि वो बहुत अच्छे पहाड़ी पर चढ़ने वाले एक्सपर्ट्स हैं और पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते उन्हें उनसे प्यार हो जाता है और फिर क्या लव स्टोरी है, तो उसमें विलन आना जाहिर सी बात है, तो पॉलिटिकली विलन आ जाते हैं। फिर मार धाड़ जो सनी देओल के स्टाइल की मार धाड़ इस फिल्म में हमको देखने को मिलती है। मनाली और दिल्ली में ये फिल्म शूट होती है, फर्स्ट हाफ मनाली में, सेकेंड हाफ दिल्ली में शूट किया गया है। बस लव स्टोरी और पॉलिटिकल ट्रैक लेकर ये फिल्म बनी है सनी देओल ने, कि अपने बेटे को भी एंग्री यंग मैन या 2.5 किलो का हाथ वाला प्रेजेंट करने की कोशिश की, लेकिन करण देओल जो है वो बहुत ही मासूम लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं, उनसे ये काम करवाने की पूरी तरह से कोशिश सनी देओल ने की है। बहुत अच्छी जोड़ी है, बहुत ब्यूटीफुल हीरोइन लगती है, हैंडसम लग रहा है बेटा करण देओल जो है वो, और अगर एक्टिंग पर वर्क करते हैं या अपने ग्रैंडफादर यानी धर्मेंद्र जी की अगर फिल्में देखते हैं, प्रॉपर देखते हैं, तो भी बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि घर में इंस्टीट्यूट होने के बावजूद एक्टिंग में कमियां होना बहुत ही खेदजनक है, क्योंकि नाना, पिताजी, चाचा ये तीनों भी एक्टर हैं और एक्टर्स की उनकी फिल्में देखकर ही बहुत सीख सकते थे, लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने ध्यान नहीं दिया और इसमें करण देओल जो है वो एक्टिंग में बहुत कम लगते हैं। इस फिल्म में विलन भी है, विलन है आकाश आहूजा और उनको साथ दिया है सचिन खेड़ेकर और शोभा कोटे ने, ये बड़े स्टार्स इस फिल्म में हमें देखने को मिलते हैं। वैसे फिल्म ठीक ठाक है, लेकिन जिस तरह की लॉन्चिंग करण देओल को चाहिए थी वो शायद ही नहीं मिलेगी, क्योंकि स्क्रिप्ट भी बहुत ही वीक है, लोकेशंस अच्छे हैं लेकिन सिर्फ लोकेशंस होना है, उनसे फिल्म नहीं बनती, फिल्म स्क्रिप्ट पे बनती है, और स्क्रिप्ट अगर अच्छी होती तो शायद ये फिल्म बहुत प्यारी बनती। और ये फिल्म ठीक ठाक है, देखने लायक है। तो ठाकुर के बिंदास बोल से मैं उमेश ठाकुर आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि जाइए और फिल्म देखिए पल पल दिल के पास, क्योंकि ये धर्मेंद्र जी के पोते हैं, उनकी ये फिल्म है, तो जरूर जाइए और देखिए पल पल दिल के पास। टाइम पास फिल्म है, अच्छी फिल्म है, वैसी बुरी नहीं है, लेकिन जितनी एक्सपेक्टेशंस थी वो ठीक ठाक फिल्म है। ठाकुर के बिंदास बोल से करण देओल को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, इस फिल्म के मेकर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, करण देओल का करियर बन जाए। करण देओल के करियर के लिए और सेहर के करियर के लिए मैं ठाकुर के बिंदास बोल से शुभकामनाएं देता हूँ। ठाकुर के बिंदास बोल से मैं आपकी आज्ञा लेता हूँ और अगली फिल्म लेकर जल्दी आऊंगा, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।